स्वागत है आपका मैकेनिकल एजुकेशनल फोरम में। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड की, जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का टॉपिक है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको आगे के सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा, इसलिए इस टॉपिक को आप स्किप नहीं कर सकते। बिल्कुल इसे आप पढ़ना है और इसे कॉन्सेप्ट को समझना है, इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको आपको सॉल्व करना है, ताकि आप समझ पाए कि ये कार क्या रहा है और इसका एप्लीकेशन किस तरह से होने वाला है। इस चीज को ना आपको मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा। देखिए, इसका जो स्टेटमेंट है वो बड़ा ही सिंपल है। इसका स्टेटमेंट कहता है कि अगर कोई फोर्स है, कोई एक फोर्स है और वो किसी बॉडी पर लग रहा है, तो इस बॉडी में कुछ इफेक्ट डालेगा, कुछ चेंज लाएगा इस बॉडी में। तो ये कहता है कि ये जो फोर्स है ना, इस बॉडी पे जो इफेक्ट डालेगा, जो भी इफेक्ट हो वो डालेगा, सेम इफेक्ट इस फोर्स का कंपोनेंट भी इस बॉडी पे डालेगा। आप बोलेंगे कि एक फोर्स, ये जो फोर्स दिख रहा है हमको, ये जो इफेक्ट डालेगा इस बॉडी पे, वो सेम हो डालेगा इसका कंपोनेंट इस बॉडी पे। तो आपके मन में एक डाउट होना चाहिए कि इस फोर्स का कंपोनेंट क्या है, है ना। तो इसको मैं पहले आपको समझा देता हूं, इस फोर्स का कंपोनेंट कैसा होगा। मान लीजिए जो आपका फोर्स लग रहा था, उसका मैग्नीट्यूड था 24 न्यूटन का, ठीक है। अब मैं जो 24 न्यूटन वाला फोर्स है, इसको तीन फोर्स में मैं इसको बांट देता हूं, 1, 2, 3। और इस तीनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, इन तीनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, इनके मैग्नीट्यूड को जब आप जोड़ेंगे तो 24 न्यूटन के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इस एक जो सिंगल फोर्स था उसका ये कंपोनेंट है, ठीक है ना, ये सब उसका कंपोनेंट है। और ये जो अकेला जो फोर्स है, ये सेम इफेक्ट जो ये सिंगल फोर्स है, ये जो इफेक्ट डालेगा किसी बॉडी पे, ये तीनों मिलकर सेम इफेक्ट डालेंगे उसी बॉडी पे। यही तो है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड, यही कहता है, ठीक है ना। मेरे पास एक एग्जांपल है, फिगर के द्वारा मैं इसको एग्जांपल को आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए कि आपके पास एक नाव है ना, और नाव जो है नदी में चल रही है, किसी कारणवश ये नाव, बड़ी वाली नाव खराब हो गई। अब खराब हो गई है तो इसको रिपेयर करना होगा, इसके लिए आगे से इसको जाना होगा, है ना, आगे जाएगा, फिर से रिपेयर किया जाएगा, तभी तो ये फिर से चलेगा। तो इसको आगे ले जाने के लिए आपको दो कंडीशन है, या तो इसी बड़ी नाव के साइज का एक दूसरा नाव ले आइए, तभी ये इसको खींच पाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, भारी है ना, या फिर छोटे छोटे नाव को ले आइए और छोटे छोटे नाव मिलकर इसको खींच कर ले जाएंगे, ठीक है। देखिए, मेरे पास बड़ा नाव नहीं था, इसलिए मैंने दो छोटे छोटे नाव को भेजा है ताकि वो बड़े नाव को खींच कर ले जा सके, ठीक है। यहां पर समझने वाली ये बात है कि अगर इस बड़े वाले नाव को आगे बढ़ने के लिए मान लेते हैं 500 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, लेकिन अकेला ये जो छोटा छोटा नाव देख रहे हैं ना, ये 500 न्यूटन का फोर्स खींचकर नहीं ले जा सकता, इसलिए ये दो आया है और दोनों मिलकर इसको खींच कर ले जाएगा। ये तो आप बचपन में करते होंगे, कोई बड़ी चीज है अकेले नहीं जा रही है, क्योंकि वो भारी है, इसलिए दो चार लोग आए उसको खींच कर ले गए। तो यही तो होता है ना रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। मान लीजिए कि इसका 500 न्यूटन का फोर्स लगेगा तभी ये जा पाएगा, है ना। एक सिंगल फोर्स इसको लेकर जाता है, वो होता है आपका इंजन। एक सिंगल फोर्स लगता है यहां पर और वही इसको खींच कर ले जाता है वह इंजन के द्वारा, है ना, जो 500 न्यूटन का अकेले लगा देता है तभी ही चलता है। लेकिन अभी तो 500 न्यूटन का लग नहीं रहा है, क्योंकि इसका इंजन खराब हो गया है, इसलिए हमने दो नाव को लाया, है ना, और इस फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तोड़ दिया। इन दोनों नाव की हेल्प से, इन दोनों नाव की हेल्प से इस 500 न्यूटन के फोर्स को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तोड़ दिया, और इन दोनों नाव मिलकर इसको खींच रहे हैं। इसका मतलब ये 500 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा था, इसका इफेक्ट बिल्कुल सेम है इन दोनों फोर्स के बराबर, है ना। इसको एक डायग्राम से और समझिए। मान लीजिए कि आपका जो नाव था वो एक फोर्स लगा रहा था, इंजन के द्वारा एक फोर्स लगाया जा रहा था उस इंजन पर, बोट पर,
और जो बोट पर एक फोर्स लगाया जा रहा था उसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए 500 न्यूटन था। तो इस 500 न्यूटन को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया है, F1 और F2 में। और इस एफ फोर्स का जो इफेक्ट था ना उस नाव पे, वो बिल्कुल सेम है इन दोनों फोर्स के बराबर, है ना। ये दोनों फोर्स मिलकर F1 F2 सेम इफेक्ट दे रहे हैं जो आपका अकेले एफ फोर्स दे रहा था। इसी मेथड को, है ना, एक सिंगल फोर्स को कई फोर्स में तोड़ देना ताकि उनका इफेक्ट चेंज ना हो, यही मेथड कहलाता है आपका रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब नहीं हुई है तो फिर से कमेंट करिए और बताइए कि यहाँ पर दिक्कत थी, हम फिर से आपको बताएंगे कि एक सिंगल फोर्स को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सिंगल फोर्स को तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए हमारे पास दो मेथड है। ये जो पहला मेथड आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, फिगर वन में, इसको बोलते हैं आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। और जो फिगर बी में जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं नॉन परपेंडिकुलर फोर्स, है ना। इस म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्स मेथड में क्या होता है कि जो आपका सिंगल फोर्स होता है ना, वो ये वाला है आपका सिंगल फोर्स एफ, इसके कंपोनेंट्स को जब आप तोड़ेंगे तो इसके जो कंपोनेंट्स होंगे ना एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर मिल रहे होंगे। अगर आप एफ फोर्स को तोड़ेंगे तो इसके जो कंपोनेंट टूटेंगे ना वो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर टूटेंगे, इसलिए इसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोलते हैं। इस मेथड को एक और नाम से जानते हैं, रेक्टेंगुलर, है ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेज। एक ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो एफ फोर्स है ना आपका, इसको आप यहां से मिलाइए, है ना, इसको यहां से मिलाइए, इसको यहां से मिलाइए, इस तरह से मिलाएंगे जब आप इसको, तो आपका एक रेक्टेंगल की तरह बन जाता है, ठीक है ना, इसलिए इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर फोर्स मेथड भी। ये जो आपका नॉन परपेंडिकुलर फोर्स है, इसमें आपका जो एफ फोर्स सिंगल फोर्स था उसको तोड़ेंगे तो इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो आपके एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर नहीं मिलेंगे, 90 डिग्री को छोड़कर कोई सा भी एंगल हो सकता है, ऐसे कंपोनेंट एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर नहीं मिलेंगे। तो यही होता है आपका रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड, और इसके टाइप्स हैं ये कंपोनेंट, इसके किस तरह से टूट रहे हैं। तो एक में आपका 90 डिग्री पर इसके कंपोनेंट टूटेंगे, है ना, जो इसके कंपोनेंट होंगे वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर बनाएंगे, इसे हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्स बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। और एक इसमें क्या होगा, इसमें के जो कंपोनेंट्स होंगे वो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर जुड़े नहीं होंगे, बाकी कोई सा भी एंगल हो सकता है। तो आई होप आपको रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड समझ आ गई होगी, अगर फिर भी समझ नहीं आए तो कमेंट जरूर करिए, है ना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।